अस्सलामुअलैकुम, मैं हयात समो और आज का दिन होने जा रहा है बहुत स्पेशल, क्योंकि आज हमारे नन सीरियल का, जो कि पाकिस्तान का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग हाईएस्ट रेटेड सीरियल है, उसका लास्ट डे हम शूट करने जा रहे हैं फाइनली। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई नन कब खत्म होगा, तो आज मैं जवाब दे सकता हूँ आपको कि आज हमारी तरफ से आज हम आखिरी एपिसोड रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं, तो हमारी तरफ से आज खत्म हो जाएगा। तो वो आपके लिए सरप्राइज है कि कोई भी एपिसोड लास्ट एपिसोड हो सकता है, लेकिन आज का जो दिन है हम जितने भी कास्ट मेंबर्स हमारे उनसे मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका नन का एक्सपीरियंस कैसा रहा और अब जब ये सफर खत्म होने जा रहा है तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज नन के लास्ट डे का BTS। Jay, diet meeting. What are you eating? Diet pakora. क्या खा रही हैं? Diet pakora. Diet pakora? Diet pakora. ये देखे जी, दो बहुएं इस घर की, एंड बड़ी बहू जो कि छोटी है, एंड छोटी बहू जो कि बड़ी है। बताइए अपना नाम। Minsa. हेलो। पैसे लगते? सॉरी, आई कांट अफोर्ड यू जी। मिंसा मलिक, कैसा लगा आपको नन करके? बहुत अच्छा लगा मुझे करके। बहुत मजा आया, बहुत इज्जत मिली और लोगों ने जिन्होंने नन को पसंद किया उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें इतना पसंद किया। आई एम प्लेइंग गुल रोक, गुल रोक जो मैंने रियल में गुल नहीं खिलाया, मैं इसमें गुल खिला रही। आप रियल में वैसी नहीं है? अच्छा, इनको अपनी शिकायत चली, क्या होगा मसाला आपका? एक मिनट, आपको क्या मसाला है? इनके पकौड़े में मसाला नहीं, ठीक है आप बताएं। ये हमने दुनिया तक पहुंचा दिया आपका पैगाम। हाँ बोल। हाँ देखे भाई, एक इनका पकौड़ा नहीं खत्म हो रहा भाई, इनके पकौड़े वाले इनके प्रैंक कर दिए। अच्छा जी, मेरे गुल का तो कबाड़ा हो गया पकौड़े में। नहीं नहीं, आप शुरू से आएंगे जी। गुल कैसा लगा नन करके? बहुत अच्छा। यही जवाब देना था। रियल लाइफ आमना मलिक और गुल में कितना फर्क है? थोड़ा बहुत 19-20? बिल्कुल एक जैसे। ऐसे नहीं है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी। रियल में अच्छी हैं या गुल अच्छी है? मैं अच्छी हूँ, गुल भी अच्छी है, गुल अच्छी है। इससे जो ऑडियंस है उनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि गलत नहीं है, गुल गलत के खिलाफ आवाज उठा रही है। तो अपनी माँ के खिलाफ आवाज क्यों उठाई थी? माँ के खिलाफ उठा रही है। वो चीजों पे मेरा हक था। किन चीजों पे? वो जो मैंने उठाई चोरी करके लेके गई थी घर से, जो चोरी करी थी। चुपेरे देखे, लाहौर भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, उनके जो लोग हैं चुपेरे सही हैं। आपके चुपेरे सही हैं? चुपेरे हैं, चुपेरे। उन्हें जो देखा फौरन, ये तो मौका दे दिया इसने मुझे। ठक कर दिया। भाभी ठीक है, आप ही को अब्दुल्ला भाई के काम कैसे आप? ठीक ठाक भाई? कैसा रहा? कैसी? हाँ सैड है। क्यों सैड है? क्योंकि बहुत लंबी एक राइड है नन जो खत्म हो रही है और हम लोग बहुत इससे अटैच हो चुके हैं। कैसी रही है जर्नी, कैसी रही है राइड, कैसा रहा पूरा प्रोजेक्ट? अनबिलीवेबल, क्योंकि ये तो तुम भी जानते हो जो हम सब ने सोचा था, अल्लाह पाक ने हमें उससे अरबों गुना ज्यादा इमेजिन भी नहीं किया था हमने। अच्छा, काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई जिस तरह ये साकिब का कैरेक्टर है, क्या शहरोज रियल लाइफ में भी ऐसे ही है? वैसे तो मेरी कोई सगी बहन नहीं है, मेरे जो ताया की बेटी है वो मेरी बहन ही है, सगी कह लें ऑब्वियसली। तो हाँ, अगर बहन पे आएगी तो मैं साकिब ही हूँ। इन द एंड जो नन देखने वाले फैंस हैं उनसे अलविदाई क्या? आप लोगों का वी आर वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने लग के देखा। हाँ, आसान नहीं वैसे कहना, सही बिल्कुल सही अल्फाज यूज़ किया कि लग के देखा। आसान नहीं होता, चार दिन आता है 45 मिनट्स का डेली, तो और अगस्त से आ रहा है, मार्च अप्रैल में है, तो डेली आप लोगों ने देखा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया और हम लोग का
रियली मीन्स अ लॉट टू अस कि आप लोगों ने लग के देखा, जिसकी वजह से हमें आई थिंक इट्स द हाईएस्ट रेटेड लॉन्गेस्ट रनिंग शो. एंड थैंक यू गाइस, अल्लाह के थैंक्स. और ये देखो बिल्कुल एक्चुअल बीटीएस है, क्योंकि ये यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं और पीछे अफशा सो चुकी है. और हम दोनों भाइयों के मुताबिक वो उम्र की आपसे ज्यादा और एक्शन और हम दोनों भाइयों के मुताबिक वो उम्र की आपसे बेहतर तरबियत उम्र की देखभाल आपसे बेहतर और तरबियत आपसे बेहतर कर रहा है और उम्र भी अपने बाप के साथ ही रहना चाहता है. ठीक है और यस रोल एक्शन और हम दो मुझे आंखें हंस रही है आपकी. ऑर्डर ऑर्डर और हम दोनों भाई एक्शन सीरियस एक्शन. यार मुझे खुद आ रही है. चलो 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 और हम दोनों भाइयों के मुताबिक वो उम्र की तरबियत और देखभाल और हम दोनों भाइयों अबे तू चीट कर लेना तू बोल दे और जहां तक हम दोनों एक मिनट तेरा फेस ठीक है ठीक है और जहां तक हम दोनों भाइयों का ख्याल एक्शन और जहां तक हम दोनों भाइयों का ख्याल है वो उम्र की देखभाल और तबीयत आपसे कहीं बेहतर कर रहा है और उम्र भी अपने बाप के साथ रहना चाहते हैं. देख रही तुम दोनों भाई अपनी बीवियों की सुन रहे और तुम लोगों की बीवियां ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा इस घर में रहे, इसीलिए तुम ये सब कह रहे हो. आप अपने ही दिमाग में ये फजूल बातें बनाना बंद किया था क्या? आप अपनी तरफ से कहानियां बनाना बंद. आप अपनी ऑर्डर चलो मैं क्यों देती हूँ? ठीक है ओके मूड रोल एक्शन. देख रही हूँ कि तुम दोनों भाई अपनी बीवियों की सुनने लगे हो और वो दोनों ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा इस घर में रहे. ओ प्लीज आप ही आप अपनी तरफ मेरा जुमला पूरा नहीं हुआ. ओके रोल एक्शन. और क्या हो गया? चलो ऑर्डर एक्शन. देख रही हूँ तुम दोनों भाई. ओके तो अपनी सोचों में डूबी हुई है गौहर, कोई नई प्लानिंग कर रही है. अच्छा ठीक है गौहर से एग्जिट मारे हमारे हैं वापस जवैया सऊद की तरफ. जी कैसी हैं आप? बिल्कुल वैसी. बिल्कुल गौहर जैसी नहीं नहीं नो लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे टीम इतनी अच्छी मिली, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ हो, चाहे वो मेरे कोलीग्स हों, सब लोग इतने इतने अच्छे हैं कि मुझे लगता है इसमें अपनी ही प्रोडक्शन में काम कर रही हूँ. मतलब और मजा गौहर करते हुए कैसा लगा? हाँ नेगेटिव कैरेक्टर मैंने शायद आई थिंक दूसरी बार किया, एक दफा बहुत पहले किया था तुम बचपन में है बहुत पहले. हाँ वाकई बहुत पहले 2000 में या 99 में ऐसे किया. ओके तो इस टाइप का इस तरह का वो भी नहीं था, ये एक शदीद किस्म का नेगेटिव कैरेक्टर, एक्सट्रीम नेगेटिव है. हाँ शदीद और ये करने से बहुत सारी नेगेटिव खवातीन का पता भी चल रहा है कि वो किस तरह चाले बनाती हैं. अब मुझे सब कुछ समझ आ गई और अब आपसे आगे कोचिंग भी ले सकती है. हाँ अब आप मुझसे आगे प्लीज क्लासेस ले, जो नई नई नंद बन रही है उनको मैं क्लासेस देने जाती हूँ. और नंद के फैन से क्या कहेंगे आप? नंद के फैन से कहूंगी देखते रहे नंद, देखते रहे नंद और गौर मचाते रहेगी गन. गौर मचाएगी गन, देखते रहे नंद गौर मचाएगी गन. आपकी हौसला अफजाई, आपकी दुआएं, आपके कॉमेंट्स अच्छे वाले, हमारा दिल बहुत बड़ा करते हैं. आप लोग सब खुश रहे. थैंक यू नंद. आखिरकार अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ते हैं भाई, बड़ी उदासी हो रही है. बहुत कितने उदास हैं? और यार आदत से हो गई थी, एक साल हो गया हम लोग एक साल से शूट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है ना इंस्टा पे जब पोस्ट अबाउट पूछते हैं कब ख़त्म हो रहा है कब ख़त्म हो रहा है, तो उनको जवाब है अब ख़त्म हो रहा है. अब जब ख़त्म हो जाएगा भाई तो फिर क्या करें, लोगों को आदत हो चुकी है. एक बड़ा अच्छा मुझे कल कमेंट आया था, बहुत ज़बरदस्त, ये डायरेक्टर साहब हैं हमारे, ये डायरेक्टर साहब आ गए. हाँ ये देखें ये कमेंट आया हुआ, अब सभी बोल रहे हैं कि नंद बंद हो जाए, लेकिन जब सच में बंद हो जाएगा तो बुरा लगेगा क्योंकि इसकी आदत हो गई. वाह वाह वाह. सो ये हमें भी इसकी आदत हो गई थी, तो बट इट वॉज अ वेरी गुड जर्नी, बड़ा अच्छी हमारा सब जितनी भी कास्ट थी और टीम पूरी बिग बैंग की, डायरेक्टर सब ने बड़ा सबके साथ एक बड़ी अच्छी दोस्ती रिलेशनशिप बन गई. और जाहिर है जब इतना साथ तार साहब एक साथ सारी टीम काम कर रही होती है तो फिर एक कनेक्शन हो जाता है. सो वो बस मिस करेंगे. मेरे ख्याल में मेरा लॉन्गेस्ट रनिंग
ड्रामा हाईएस्ट रेटेड लॉन्गेस्ट रनिंग हाईएस्ट रेटेड और शुरू से रेटिंग इसकी मेंटेन रही है। सबका बहुत शुक्रिया व्यूज का जिन्होंने देखा पसंद किया। बस इसी से हमें इंकरेजमेंट मिलती है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आएगा वो भी कुछ अच्छी चीज़ की बड़ी चीज़ करेंगे। थैंक यू सो मच जल्दी, थैंक यू सो मच। Okay, so we have with us Mr. Kamran Jilani and featuring Rabia Baji, my makeup artist. Kamran bhai, kaisa lag raha hai Nand karke? Nand badi gand phaila rahi hai aur mashallah team bahut achhi hai, sabke sath already pehle kaam kiya hua hai aur sab dost hain, tum chote bhaiyon ki tarah ho, Sharoz ho gaya, Javeria meri purani bahut colleague rahi hai, Javeria ne bahut arse baad kaam start kiya khair se, to uske sath humne bhi iske sath kaam start kiya, bahut achhi dosti, puri team bahut achhi hai, production side sab bahut respectfully deal karte hain, maza aa raha hai। aur Dilawar Ali Shah ke bare mein kya kahenge? Dilawar Ali Shah ke bare mein to aap log batayenge ki aapko Dilawar Ali Shah kaisa laga, aapko karke kaisa laga? Yeah, bahut maza aa raha hai, acha hai, of course negative characters pe margin to hota hai performance ka, maza aa raha hai। aur kuch kehna chahenge fans ko jo nand dekh rahe hain? Oh, love you all, थैंक यू। उमर, इनका असल नाम है अहमद उस्मान। अच्छा भाई, कैसा रहा नंद का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, टीम भी बहुत अच्छी थी। हाँ, और कास्ट भी बहुत अच्छी थी। हाँ, एजाज भाई, आप और जवेरिया जी, फायजा जी, सब बहुत अच्छे थे, मजा आया। और जिशान भाई तो वो तो बहुत ही अच्छे, जिन्होंने उमर के कैरेक्टर को पसंद किया, शुरू में बहुत नेगेटिव भी कहा, बाद में प्यार भी मिला, क्या कहोगे उनसे? थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और नेगेटिविटी तो खैर करैक्टर होता है। हाँ, ये तो, अच्छी बात की, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। और जी, क्या कुछ कह रही थी आप? मैंने सब्सक्राइब अयाज सब, मैं कह रही हूँ कि जो आप ड्रामे में हम लोग को देखते हैं, आपस में उतनी ही नफरत नहीं करते, थोड़ी बहुत करते हैं, उतने नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं, इतना प्यार है हमें। अच्छा, ये बहनों वाले हैं, प्लीज प्लीज बहनों वाले, प्लीज प्लीज। और वो एक हमारे जवान लड़का भी था, थोड़ा पागल हो गया, अकेले अकेले घूमता रहता है। इश्क में पागल हुआ है।